Hello everyone, welcome to Divine Soul. I hope you all are happy, fit and positive. So we are here with another tarot guidance video and I know ki new week aa gaya hai and aap sabko new guidance ki bahut zarurat hai. So is video mein aapko guidance milegi related to relationship, career and health. So before moving ahead, we want to tell you all that we are very happy with your support. जो भी subscribe कर रहे हैं, जो भी like कर रहे हैं video, जो भी support कर रहे हैं, we are heartily thankful and grateful to all of you. And जिन्होंने अभी तक subscribe नहीं किया है, तो please आप इस channel को subscribe करें and हमको support करें. So before going ahead, I want to tell one special thing here. As you know that Mercury retrograde चल रहा है अभी and 3rd February को वो खत्म होगा. So तब तक चीजें काफी slow जाने वाली हैं and बहुत ज़्यादा force करने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी काम को और किसी भी situation को. So आराम से calmly हर काम करने की कोशिश करें. As you all know, for guidance you have to choose one pile out of two. So quickly pick a pile and that is your guidance of the week. So if we talk about pile one, then relationship mein you have to be very cautious. Don't trust anybody. Don't try to build new relationship this time. Don't try to build trust. Don't try to force any relationship. So जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दे. किसी भी चीज में force करने की जरूरत नहीं है and किसी भी चीज में trust करने की जरूरत नहीं है. बहुत ही सावधानी से, बहुत ही precautions लेके आपको relationship के ऊपर work करना है this week. So betray भी हो सकती है, loss भी हो सकता है, hurt भी हो सकते हो. बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी मेंटली अपसेट कर देने वाली चीजें आप फेस कर सकते हो दिस वीक. सो माय सजेशन टू यू इज दैट प्लीज बी काम एंड बी पेशेंट. एंड इफ वी टॉक अबाउट करियर एस्पेक्ट्स, देन दिस वीक आई थिंक यू विल गेट लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज या कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी करियर वाइज जिसमें आपको डिसीजन मेकिंग लेनी करनी पड़ेगी. आई मीन बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जिसको एनालाइज करके आपको प्रॉपरली डिसीजन लेना है रिलेटेड टू योर करियर. आप अपने वर्क प्लेस में बहुत सारे काम आपको ऐसे आ सकते हैं जहां पे डिसीजन मेकिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टास्क. सो करियर वाइज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू हैव ऑल द पावर एंड पोटेंशियल to make a good decision, right? So focus on yourself as you have all mental capability. तो उस पर focus करें and अपने decisions proper analysis करके ही ले. Third thing is we'll talk about your health. So health के लिए I felt कि बहुत ज्यादा कोई effort करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ अपने आप को physical exercises में, फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व करो सो दैट आपकी एनर्जी यूज हो कहीं पे. एंड अपने हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, अदरवाइज हेल्थ एस्पेक्ट से ये वीक अच्छा रहेगा. फॉर पाइल टू रिलेशनशिप वाइज दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी हैक्टी एंड क्लैशेज एंड ऑल यू विल गोइंग टू फेस दिस वीक. सो माई सजेशन टू यू इज कि अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स and clashes with your partner in terms of like अगर miscommunication हो रही है या फिर आपकी बात नहीं वो सुन रहे हैं या फिर आपके बीच trust का issue चल रहा है या third party की तरफ से आपके relationship में clashes आ रहे हैं, mistrust create हो रहा है. तो please try to avoid these kind of situations and work on your communication. Work on your relationship this week and अगर कुछ भी ऐसा होता है तो please be calm and be patient because वो सिर्फ short term के लिए होगा and जल्दी ही resolve हो जाएगा. So my suggestion to you is about relationship कि इस week
आप एकदम पेशेंटली इसको जाने दें, कुछ ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन भी अगर करनी है तो वो प्रॉपरली करें, ताकि आपके पार्टनर को मैसेज जो भी है आपका या जो भी आपकी बात है वो प्रॉपरली कन्वे हो सके, सो दैट मिसट्रस्ट मिसकम्युनिकेशन की जो इशू है वो ना आ सके। सेकेंडली, इफ यू टॉक अबाउट करियर एस्पेक्ट, देन दिस वीक यू विल फील पैसे की कमी, यू विल फील करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, ब्लॉकेजेस यू आर गोइंग टू फील। सो दिस वीक माई सजेशन टू यू इज प्लीज डोनेट 5 रुपी गोल्डन कॉइन ऑन थर्सडे टू एनी नीडी पीपल, एंड जो मनी की ब्लॉकेजेस लगेंगी वो रिमूव हो जाएंगी। और आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट मैंने एक शॉर्ट शेयर की थी रिलेटेड टू अनएक्सपेक्टेड मनी, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो रेमेडी इफ यू फील ब्लॉकेज ऑफ मनी। थर्ड इज हेल्थ एस्पेक्ट। आई फील कि हेल्थ इज गोइंग वेरी गुड दिस वीक, बट यू विल फील लिटल लेजी दिस वीक। आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करेगा, भूख ज़्यादा लगेगी, एंड आप बहुत ही कामली कोजी होके इस विंटर वेदर को एंजॉय करोगे, एंड आप काफ़ी लेजी भी रहोगे इस वीक। तो बहुत ज़्यादा एक्शन स्पिरिट मुझे नज़र नहीं आ रही है, आप उसको होल्ड करके रखोगे। सो हेल्थ वाइज वीक इज गोइंग गुड, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि अगर ब्रेक की ज़रूरत है तो ज़रूर ब्रेक लें, एंड अपने आप को अगर लगता है कि आपको टाइम की ज़रूरत है अपने आप को देने की, तो ज़रूर उस अपने आप को टाइम दें एंड एन्जॉय करें ये पूरा वीक। सो पाइल वन एंड पाइल टू के रिजल्ट्स, आई होप आप इसको फॉलो करोगे दिस वीक, एंड जो भी ब्लॉकेजेस या कुछ परेशानी अगर आपको फील हो रही है तो वो आप क्लियर आउट करोगे एंड उस ब्लॉकेजेस को रिमूव करोगे इस हफ्ते। सेकेंड थिंग इज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है, मर्करी इज रेट्रोग्रेडिंग दिस वीक एंड वो रहेगा टिल 3rd of February। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा एक्शन में आने की ज़रूरत नहीं है इस इन दिनों में, एंड आपको थोड़ा कामली और पेशेंटली हर एक चीज़ में रहना पड़ेगा, बिकॉज रिजल्ट्स जो हैं उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको आपके एफर्ट से। सो जितने एफर्ट्स करोगे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, सो जितने भी हार्डवर्क करना है, जितने भी एफर्ट्स करने हैं, वो ये सोच के करो कि रिजल्ट जब मिलना होगा तब मिल जाएगा, बट आप अपना हार्डवर्क पूरा कर रहे हो। सो आई होप कि ये पाइल वन पाइल टू रीडिंग एंड वीकली गाइडेंस आपको पसंद आई हो, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, एंड आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें इफ यू रेजोनेट विद द रीडिंग। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ब्लेस्ड डे।